ऋषभ शेट्टी की कांतारा फिल्म की देश ही नहीं विदेश में भी खूब चर्चा हो रही है। फिल्म ने ग्लोबली 200 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है। हिंदी बेल्ट में भी फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। मूवी के हिंदी वर्जन ने 30 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। रजनीकांत, कंगना रनौत, धनुष, अनुष्का शेट्टी, किच्चा सुदीप, राजन डीके, प्रशांत नील जैसे कई दिग्गजों ने फिल्म की जमकर तारीफ की है। लेकिन राइटर और फिल्म मेकर अभिरूप बासु को लगता है कि कांतारा बेकार तरीके से बनाई गई फिल्म है। आइए जानते हैं कि अभिरूप ने क्या कहा। ई टाइम से बात करते हुए अभिरूप ने कहा, मुझे लगता है कि इस फिल्म को बनाकर लोगों की समझ का मजाक उड़ाया गया है। बहुत खराब तरीके से बनी बहुत ही लाउड फिल्म है, जिसके कैरेक्टर्स बिल्कुल रियल नहीं लगते, रूट से जुड़े हुए नहीं लगते। वही घिसा पिटा प्लॉट ट्विस्ट, ये एक नौटंकी जैसी लगती है। जब फिल्म अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है तो कोई इंटरेस्ट बाकी नहीं रह जाता। मुझे ये फिल्म बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आगे कहा, मगर मेरे हिसाब से किसी भी फिल्म के लिए आश्चर्य की बात नहीं है कि वो आपको डिवाइन इंटरवेंशन पर विश्वास करवा रही है, खासकर इस समय में जब आपके देश में माइथोलॉजिकल कैरेक्टर का साइंटिफिक रेलेवेंस खोजा जा रहा है, तो ये सब इस फिल्म में फिट बैठता है। अभिरूप कोलकाता के हैं। डायरेक्टर होने के साथ साथ वो स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। उन्होंने इससे पहले पंकज त्रिपाठी और आदिल हुसैन जैसे कलाकारों के साथ काम किया है। उनकी लिखी शॉर्ट फिल्में लाली और मील खूब पॉपुलर हुई। लाली तो इस साल ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। साल 2018 में आई उनकी फिल्म द पेपर मैन को भी खूब सराहा गया था, लेकिन कांतारा को लेकर उनके विचार थोड़े अलग हैं। अभिरूप बासु ने ज्यादातर शॉर्ट फिल्में ही बनाई हैं। उनकी बनाई फिल्म गुड़िया को डेनमार्क में हुए 46वें ओडेंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था। कांतारा को लेकर उनके विचार पर बहुत से लोग उनका मजाक भी बना रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एक फिल्म सभी को एक जैसी लगे। हर आदमी के फिल्म देखने को उसे अच्छा बुरा बताने का अपना अलग अलग पैमाना होता है। कांतारा अभिरूप के पैमाने पर खरी नहीं उतरती। कांतारा की कमाई की बात करें तो फिल्म को इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर $1 मिलियन यानी लगभग 8.24 करोड़ रुपए कमा चुकी है। KGF 2 के बाद ये अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ा फिल्म बन गई है। ऑस्ट्रेलिया में भी फिल्म झंडे गाड़ी है। वहाँ फिल्म ने $2 लाख यानी लगभग 1.05 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी मेघना ने। मैं निहारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दिल्ली ऑन टॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।